गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको CDP का प्रैक्टिस सेट। तो राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर PDF एंड मोर इन्फॉर्मेशन। 40+ क्वेश्चंस हैं तो आप बताइएगा कितना स्कोर आप करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही आसान से क्वेश्चन हैं आज के। अब इसमें कह रहा है करके सीखना और अपनी क्रिया के परिणामों का अनुभव किया जाता है, तो किस में किया जाता है? तो ब्रूनर की स्टेजेस सुनी होंगी, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिम्बॉलिक, सुनिए इनकी। रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन, ये किताब है इनकी, सुनी तो होगी यार। इनएक्टिव है इसका, ठीक है, याद रखना। विकेरियस लर्निंग, ये बंडूरा का है, जैसे मास्टर ने ना एक बच्चे को पीट दिया तो पूरी क्लास शांत हो जाती है, तो वो विकेरियस लर्निंग है। ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, तो ये सब किसकी है? स्किनर की है, ये याद रखना। नेक्स्ट, आंशिक पुनर्वलन क्या होता है? ज़्यादा प्रभावी होता है, हमेशा याद रखना। सतत से अच्छा होता है आंशिक, कभी कभी मिलने वाला। डेली वर्डे आए तुम्हारा और डेली आपको केक काटना पड़े तो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, जो कभी कभी साल में एक बार आता है, इसलिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो देखो, सृजनशीलता की बात कर रहा है, क्रिएटिविटी की बात कर रहा है। चार स्टेप हमेशा बताता हूँ, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, एलुमिनेशन, वेरिफिकेशन, ठीक है। तो ब्रेन स्ट्रोमिंग कराए बच्चे से, क्या कराए? ब्रेन स्ट्रोमिंग। सभी नहीं होगा आंसर इसका, आंसर होगा ये। लेक्चर मेथड क्या है? टीचर सेंटर्ड मेथड है, ये याद रखना। नेक्स्ट, राशि पाठचर्या की रूपरेखा 2005, मतलब किसकी कह रहा है? NCF 2005। इससे पहले कब आया था NCF? 1978, 2000 और हाँ 1988 में भी आया था, ठीक है, याद रखना। और मैं क्या बता सकता हूँ आपको, हाँ ये किस निबंध पर आधारित है? सभ्यता एंड प्रगति निबंध पर आधारित है। किसका ही? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है, ठीक है, याद रखना। तो 2005 में एक बात कही गई थी कि ज्ञान ना स्थाई है, वह दिया जाता है से, मतलब ऐसा नहीं कि ज्ञान स्थायी और दिया जाता है। इन्होंने कहा था ज्ञान का तो विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है, आंसर हो जाएगा ये। ये इस बात पे जोर देते हैं कि ज्ञान का विकास किया जाता है 2005 में। नेक्स्ट, NCF सी मतलब क्या होता है? कैरिकुलम। कैरिकुलम मतलब होता है दौड़ का मैदान, ये याद रखना। इसमें से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? तो साहचर्य नहीं है। साहचर्य विधि किसने दी है? मारिया मॉन्टेसरी ने, याद रखना, ठीक है। क्षतिपूर्ति वही होता है जैसे कम हाइट वाली लड़कियाँ जो सैंडल पहन लेती हैं, ठीक है, ऊंची हील की, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? मेरे चाचा विधायक हैं, वो वाला केस हो गया। रेशनलाइजेशन ये होता है अंगूर खट्टे, ये टाइप। नेक्स्ट, चिंतन के लिए, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? चिंतन तभी तो करोगे, कोई समस्या होगी अगर ज़िंदगी, मतलब वो कहते हैं ना कि सब कुछ ग्रीन ग्रीन चल रहा हो ना ज़िंदगी में, तो फिर क्यों आप चिंतन करोगे? चिंतन के लिए एक चीज़ याद रख लो, हाउ वी थिंक, ये किताब है। किसकी किताब है? ये किताब है जॉन ड्यूबी की, जिसमें 5 स्टेप बताए उन्होंने चिंतन के, ठीक है। नेक्स्ट, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्या? उसे कहेंगे आप आकस्मिक गलत। आकस्मिक तो पता है किसे कहते हैं? जैसे दीपावली की आप तैयारी कर रहे हो और उसमें आपने एक दिया यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, 2-3 ऐसे ना काउंटिंग सीख गए, तो ये सब काउंटिंग सिखा दी ऐसे इस तरीके से बच्चे को, तो ये आकस्मिक अधिगम होता है। प्रायोगिक कर नहीं रहे, अनुबंध कर नहीं रहे, तो सामाजिक अधिगम है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था वंडूरा ने, जिन्होंने बॉबोडोल पर एक्सपेरिमेंट किया था, ये याद रखना। बंडूरा कहाँ के थे? कनाडा के थे। वैकेरियस लर्निंग जो ऊपर बताया ना, वो इन्हीं का दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, चोमोस्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की अंतर्जात क्षमता होती है। चोमोस्की किससे रिलेटेड है? भाषा अर्जन डिवाइस दिया था इन्होंने, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, तो ये दे रखा भाषा अर्जन। यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया था, ठीक है। सिंथेटिक स्ट्रक्चर इनकी किताब का नाम है, ठीक है। नेटिविस्ट थ्योरी भी इन्हीं की थ्योरी को कहते हैं, नेटिविस्ट थ्योरी, डीप स्ट्रक्चर थ्योरी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है कि चिंतनशील अभ्यास से, चिंतनशील अभ्यास से तात्पर्य क्या है? किसी एक का उपयोग, किसका? इसमें पता है क्या कहा जाता है? मेटा कॉग्निशन। मेटा कॉग्निशन क्या होता है? अपने चिंतन के बारे में चिंतन करना, सोच रहे हो आप जो सोच रहे हो ना उसके बारे में भी सोचना, उसे कहते हैं मेटा कॉग्निशन। आंसर हो जाएगा बी, याद रखना। नेक्स्ट, अच्छा ये रीइन्फोर्समेंट दे रखा है, रीइन्फोर्समेंट पनिशमेंट, इनकी बात कौन करता है? इन दोनों की बात स्किनर करता है, ये याद रखना। नेक्स्ट है प्याजे इज मेनली, प्याजे किससे रिलेटेड है? तो प्याजे रिलेटेड है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, ठीक है, याद रखना। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी का जनक कहते हैं प्याजे को। चार अवस्थाएं दी हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, कौन कौन सी? इंद्रियजनित, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त, ठीक है। इंद्रियजनित है जन्म से 2, ये है 2 से 7, ये है 7 से 11, यह है 11 से 15।
जो ये वाली है ना स्टेज, ये छह इसकी सब स्टेजेस भी, ये भी याद रखना। और वस्तुस्थाई तो पहली स्टेज में ही हो जाता है बच्चे को, ए नॉट बी एक्सपेरिमेंट इसी में ही है, ठीक है। दूसरी अवस्था में क्या होता है, बच्चा है ना एनिमिज्म वाली प्रगति होती है, ठीक है, ईगो सेंट्रिक होता है, इंट्यूटिव रीजनिंग होती है इसी में। तो ये सारे स्टेप्स हैं, कुछ याद रखना, आंसर हो जाएगा सी। 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किए थे, स्विट्जरलैंड के थे, खुद के बच्चे थे 3, ठीक है। नेक्स्ट, ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, प्रोग्राम लर्निंग, ये सब किसके हैं, ये सब स्किनर से जुड़े हुए हैं, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म किताब है इनकी, ठीक है, याद रखना। पावलो को 1904 में नोबेल प्राइज मिला था, कुत्ते पर प्रयोग किया था ना, पैरोटिड ग्लैंड उसकी यूज की थी, होफमैन मशीन पर दिखाया था। थॉर्नडाइक ने 1898 में 3 नियम दिए थे सीखने के, कौन कौन से, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, याद रखना। पोलर किससे रिलेटेड, चिंपैंजी, जिसका नाम क्या था, सुल्तान, ठीक है, याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अल्बर्ट वंडूरा जो थे इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, उन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी, आंसर क्या हो जाएगा ए। और सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी है इनका, सामाजिक अधिगम और सामाजिक संज्ञानात्मक दोनों हैं इनके, याद रखना। अब देखो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो देखो बिने साइमन ने ही दिया है। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट कैसे आया पहले बताता हूँ, 1905 में इन्होंने पहले बुद्धि परीक्षण किया, कब किया, 1905 में 30 क्वेश्चन रखे थे। फिर 1908 में इन्होंने जब रिवाइज किया ना, तब इन्होंने मानसिक आयु का संपत्ति दिया था, जिसमें कि 59 क्वेश्चन थे, याद रखना। 3 से 15 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग होते हैं, इसमें जनरल इंटेलिजेंस चेक होती है। बिने के एक कारक सिद्धांत को कहते हैं निरंकुशवादी सिद्धांत, ये भी याद रखना, ठीक है, बस आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा सीखने का नियम नहीं है, सीखने के 3 नियम थे, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, ये वाला नहीं है। प्रभाव के नियम को क्या कहते हैं, सुख दुख या संतोष असंतोष का नियम। अभ्यास के नियम को कहते हैं उपयोग या अनुपयोग का नियम, ठीक है। तत्परता के नियम को कहते हैं रुचि का नियम, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। वो एक घोड़ा वाला एग्जाम्पल सुना हो, घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं, पानी नहीं पिला सकते, तो वो तत्परता का नियम है। नेक्स्ट, सीखने के संबंध प्रतिक्रिया में पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था, पावलोव ने किया था कुत्ते पर, बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने, बंदर पर किसने, बंदर या चिंपैंजी मान लो इस पर कोहलर ने, ठीक है, और चूहे पर किसने करे थे, स्किनर ने करे थे, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा प्रयोग ना आज तक चूहे पर ही हुए होंगे। लर्निंग बाय इंसाइट या आहा मूवमेंट, क्या कह सकते हो, संपूर्णता, ये सब किससे रिलेटेड है, ये सब रिलेटेड है सूज का सिद्धांत, कोहलर से। कोहलर किससे रिलेटेड, गेस्टाल्ट से। गेस्टाल्टवाद को कौन लेके आया था 1912 में, बर्दीमर लेके आया था। बर्दीमर मतलब ऐसा नहीं कहीं से लेके आया था, बर्दीमर का कॉन्सेप्ट है गेस्टाल्टवाद, ठीक है, शुरुआत उसने करी थी बर्दीमर ने, ठीक है, इतना याद रखना। और इसमें एक और आदमी है कोफका, कोफका ने द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद ये किताब लिखी थी, कोहलर ने लिखी थी द मेंटलिटी ऑफ एप्स। वुडवर्थ ने आपको कॉन्सेप्ट दिया हेरिडिटी और एनवायरमेंट वाला, कि हम इसके गुणनफल होते हैं, ठीक है, याद रखना, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि पहली वाली लर्निंग, प्रीवियस लर्निंग और पास्ट एक्सपीरियंस क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं नए प्रकार के सीखने में, क्या करते हैं, मदद, तो इसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव। अगर आपको बाधा पहुंचाएं तो नेगेटिव, अगर कुछ ना पहुंचाएं तो 0, 3 प्रकार की होती है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट, 90 से 100 बुद्धि लब्धि वाला बालक कैसा होता है, तो ये होता है सामान्य बच्चा। इससे देखो पहले होता है एवरेज, फिर होता है अबव एवरेज, ठीक है, फिर सुपीरियर और अबव सुपीरियर, फिर आता है जीनियस, इस तरीके से चलती है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, हॉल के सिद्धांत, हॉल ने किसका सिद्धांत दिया था, स्टेनले हॉल ने किताब लिखी है एडोलसेंस, तो उसी ने ना किशोरों का विज्ञान, मनोविज्ञान, इससे संबंधित है। नेक्स्ट, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास में निम्न में से किसने महत्व दिया, तो ये दिया था फ्राइड ने, सिगमंड फ्राइड ने 5 स्थिति बताई थी, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, जेनिटल। फेलिक में ओडिपस इलेक्ट्रा ये बताए थे कॉन्सेप्ट, लेटेंसी में बताया था कि इसमें जो लिबिडो होती है ना, मतलब यौन ऊर्जा, वो सुप्तावस्था में चली जाती है, तो आंसर हो जाएगा डी। इन्हीं की किताब है कौन सी, द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, ठीक है, याद रखना। और मनोविश्लेषण सिद्धांत भी दिया है इन्होंने, ठीक है, और बताऊँ, चेतन, अचेतन और अवचेतन का प्रत्यय भी दिया है इन्होंने। चेतन मन कितना बताया, 1/10, अचेतन कितना बताया, 9/10, याद रखना, आंसर डी होगा। नेक्स्ट, पहली प्रयोगशाला कब स्थापित की गई थी, पहली प्रयोगशाला 1879 में चालू की थी, किसने, बुंट ने। अब देखो फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजी ये किताब है किसकी, बुंट की, याद रखना, ठीक है। वाटसन ने व्यवहारवाद दिया था, और अल्बर्ट नाम का बच्चा था जिसको खरगोश, मतलब एक खिलौना था उसको, के पास जैसे ही अल्बर्ट जाता ना तो एक खतरनाक सी आवाज़ निकलवाती है पीछे से किसी मशीन से, इसलिए उसे डराना
स्टार्ट करवा दिया था इन्होंने, तो ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, बुंट हो जाएगा। ठीक है, बुंट के एक शिष्य हैं टिचनर, याद रखना। ठीक है, संरचनावाद इससे रिलेटेड है बुंट। नेक्स्ट नेक्स्ट है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी, तो बर्दीमन ने रखी, बताया था ना ऊपर ही मैंने। कुर्ट लेविन किससे रिलेटेड, कोहलर कोपका, बर्दीमर और कुर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत है, मगर कुर्ट लेविन को भी हम मान लेते हैं गेस्टाल्टवादी, कई बार ये माना गया है, याद रखना। नेक्स्ट भाटिया बैटरी परीक्षण ये किससे रिलेटेड है, ये बुद्धि से रिलेटेड है। ठीक है, और ये भाटिया बैटरी कैसा है बताओ, अशाब्दिक है। ठीक है, याद रखना। और इसमें कितने, इसके वो 5 सब टेस्ट हैं इसके अंदर, कोल ब्लॉक डिजाइन टेस्ट और इसी तरीके से हैं, 5 हैं, याद रखना। आंसर सी, केवल ये पूछ लिया कितने सब टेस्ट हैं, 5। कैसा है इंटेलिजेंस का है, किसने दिया, भाटिया बैटरी ने दिया। कैसा है अशाब्दिक है, इतना याद रख लेना बस। नेक्स्ट, अब देखो प्रोग्राम लर्निंग ऊपर बताया था मैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, प्रोग्राम लर्निंग, ये सब किसके कॉन्सेप्ट है, स्किनर के कॉन्सेप्ट है। हल ने सिद्धांत दिया प्रबलन का सिद्धांत, ठीक है याद रखना। अच्छा, थॉर्नडाइक ने क्या दिया, CABD टेस्ट दिया, बालू का सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत, मल्टी इंटेलिजेंस, छोड़ो इसे छोड़ दो। ठीक है, CABD सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत, ये सब याद रख लेना। आंसर क्या है इसका, आंसर है इसमें सी। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है कि देखो संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होते हैं। आपके जो अनुभव है ना किस पर आधारित है, व्यवहार पर आधारित है, जेम्स लैंग का सिद्धांत है, सबसे पुराना सिद्धांत कहते हैं इसे। नेक्स्ट नेक्स्ट है अभिप्रेरणा की, अभिप्रेरणा किस प्रकार का कारक है, कैसा कारक है, तो मनोवैज्ञानिक है, आपके दिमाग में अभिप्रेरित होते हो। अभिप्रेरणा को राजमार्ग किसने कहा, स्किनर ने। कार्य को आरंभ करने, जारी करने और नियमित करना, यही क्या है, प्रेरणा है। क्या है, प्रेरणा। और ये परिभाषा किसकी है, गुड़ की है। अच्छी बात है ना, कितनी गुड़ बात हुई है इसमें। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है, अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया नहीं है, देख रहे हो, छोटी सी बात पर ध्यान देना। तो कभी भी ना इसको ऐसा नहीं है कि प्रत्यक्ष अवलोकन कर लोगे, सामने खड़े होकर नाप नहीं सकते कि अभिप्रेरणा है या नहीं, ठीक है याद रखना। अब देखो मोटिवेशन मोबियर शब्द से बना है, तो मोबियर का मतलब होता है मोशन, क्या होता है मोशन, सी। आए हुए क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश टेस्ट में आए। किसी भी बाध्यता या इनाम, किसी भी बाध्यता या इनाम के अभाव में भी कुछ कर रहा है, मतलब खुद से मन है ना उसका, तो व्यक्तिगत अभिप्रेरणा है, आंतरिक अभिप्रेरणा कह सकते हो। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है कि कौन सा सेकेंडरी नीड है, तो देखो खाना पीना सोना ये सब तो पहली होती हैं, जबकि रिकॉग्निशन पहचान ये सेकेंडरी होती है। गॉड, अच्छा गॉड नियम थॉर्नडाइक ने दिए थे, कितने दिए थे, 5। मुख्य नियम कितने थे उसके, 3, याद रखना, आंसर बी होगा। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है कि अभिप्रेरणा चक्र से कौन सा संबंधित नहीं है, तो पहले आता है नीड ड्राइव, इस तरीके से चलता है NDA अचीवमेंट, GAR इस तरीके से चलता है, तो इसमें संवेग नहीं आते कहीं पर भी, याद रखो। नेक्स्ट, एक छात्र अपनी तृप्ति के लिए एक अच्छा, किसके लिए बना रहे हो, अपनी तृप्ति के लिए, तो आंतरिक प्रेरणा ने। नेक्स्ट, इसमें से कौन से प्राकृतिक प्रेरणा का उदाहरण नहीं, प्राकृतिक नहीं है बताओ, तो भूख होती है और सुरक्षा होती है, प्यास होती है, जबकि प्रतिष्ठा नहीं होती प्राकृतिक। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा जन्मजात नहीं है, तो जन्मजात कौन सा नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 24 इसे आप बताना, मैं भी देखूं थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रहे हैं आप या नहीं। निम्न में से कौन सा, किसने उपलब्धि अभिप्रेरणा का संप्रत्यय किसने दिया, तो मैकलेलैंड और एटकिंसन ने दिया है, याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूंग ने देखो क्या दिया, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, सामूहिक अचेतन मन का प्रत्यय, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट दिया है, और इनकी किताब है साइकोलॉजिकल टाइप्स और साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्सियसनेस, फ्राइड के शिष्य हैं, ये सब याद रखना। मैस्लो क्या है, मैस्लो ने देखो क्या दिया पता है, मानवतावादी हैं और कार्ल रोजर्स भी हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, मैस्लो के आवश्यकता सिद्धांत से कौन संबंधित है, निम्न में से मैस्लो के आवश्यकता से संबंधित है, डेस्क को छोड़कर, एक को छोड़कर, तो आध्यात्मिकता की बात नहीं करते। मैस्लो के मैंने 5 स्टेजेस बताई हैं, सबसे ऊपर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है आंसर होगा ये। नेक्स्ट, मैस्लो की आवश्यकता मानव के उपक्रम में सबसे ऊंचा कौन है, तो ये आत्मसिद्धि की आवश्यकता। CTET में एक क्वेश्चन आता है ना, वो कौन सा मेजर बत्रा वाला, वो इसी से रिलेटेड है। संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचार भावनाओं जानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये किसने दिया, डेल ने कहा ये प्रक्रिया। संप्रेषण के दौरान कोई भी मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है, अब देखो मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है, मतलब 3 बाधा होंगी, गलत प्रत्यक्षीकरण ये तो आंसर ही नेगेटिव ही होगी, अपूर्ण ये भी नेगेटिव है, जरूरत से अधिक चिंता ये भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नहीं ना, पूर्व अधिगम, तो यही आंसर हो जाएगा। एडगर डेल ने निम्न में से कौन सा अनुभव बड़े पक्ष के प्रथम पद, सबसे पहला प्रथम पद क्या होगा, सबसे
पहला पद होता है प्रत्यक्ष अनुभव, डायरेक्ट। देखो बच्चे को अगर कुछ सिखाना है ना तो डायरेक्ट ले जाओ, जैसे आपको ताजमहल के बारे में सिखाना है तो सीधे आगरा ले जाओ, ताजमहल दिखाओ, सबसे बेस्ट सीखेगा, कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद का मिश्रण कौन सा है, तो चिन्ह आकार सिद्धांत। किसने दिया था? टॉलमैन ने सिद्धांत। गुप्त अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं इसे, लेटेंट लर्निंग, ठीक है, याद रखना। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, अच्छी लगी हो वीडियो तो सपोर्ट कीजिएगा, और अगर डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इसके साथ अपना अपना को ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।